Today we are going to discuss functional group. What is functional group? An atom or group of atoms which give characteristics to an organic compound is called functional group. An atom or group of atoms which give characteristics to an organic compound, उसको हम कहते हैं functional group. या an atom or group of atom which specify the chemical property of organic compound is called functional group. Functional group atom भी हो सकता है, single atom भी हो सकता है, ये group of atom भी हो सकता है, या ये हमारे साथ डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या ये हमारे साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. नाउ जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक्चुअली एक्टिव साइट है. ये वो साइट है जहां पे रिएक्शन होता है. फंक्शनल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है तो दैट इज द एक्टिव साइट जहां पे रिएक्शन होता है. जब हम फंक्शनल ग्रुप मालूम करते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो हमारे लिए आसानी होती है टू अंडरस्टूड कि हम उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लें, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी कर लें. और फंक्शनल ग्रुप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप तो उसको जो है सेम होमोलोगस सीरीज में रखा गया है. फंक्शनल ग्रुप के दो हिस्से हैं. एक हमारे साथ है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द सेकंड पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो हमारे साथ है. मिसाल के तौर पर मैं OH लेता हूं, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप. जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ROHO. मतलब क्या है, R इज अल्काइल ग्रुप और OH इज द फंक्शनल ग्रुप. अगर मैं लिखूं CH3OH मिथाइल अल्कोहल, सो दिस इज अल्काइल ग्रुप एंड दिस OH इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल. नाउ हम इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं, कौन कौन से एटम्स जो है मौजूद है, तो वी क्लासिफाई द फंक्शनल ग्रुप इनटू थ्री ग्रुप्स. एक हमारे साथ वो ग्रुप है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है. दूसरा वो ग्रुप है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मौजूद है. और तीसरा वो ग्रुप है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजन मौजूद है. सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर ले, क्लासिफिकेशन, सो द फर्स्ट ग्रुप इज, पहला हमारे साथ है फंक्शनल ग्रुप. Containing carbon, hydrogen and oxygen. वो कौन से functional group है जिसमें carbon, hydrogen और oxygen मौजूद है. So the first one is alcohol है हमारे साथ. पहला alcohol है. Alcohol का functional group है OH, hydroxide जिसको हम कहते हैं. OH इसका functional group है. इसको हम generally represent करते हैं ROH से. R is alkyl group और OH functional group of alcohol. अगर मैं example ले लूं CH3OH, so this is methyl alcohol. या मैं ले लूं CH3CH2OH, this is ethyl alcohol. This one is methyl alcohol. या जिसको हम methanol भी कहते हैं. And this one is इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी इसको हम कहते हैं. दूसरा ग्रुप है हमारे साथ द सेकंड वन जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो. मैं लेता हूं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप और यहां पे H. मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अगर हाइड्रोजन अटैच हो और दूसरे साइड पे हाइड्रोजन या हमारे साथ कार्बन एटम मौजूद हो तो ये हमारे साथ होगा एल्डिहाइड ग्रुप. जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर सी कार्बोनाइल ग्रुप और यहां पे H. अभी मैं एग्जांपल लेता हूं एच सी डबल बॉन्ड O और यहां पे H. नाउ ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड,
पाम एल्डिहाइड। या मैं लेता हूं एग्जांपल CH3 C डबल बार O और यहां पे H, सो दिस इज एसिटाल्डिहाइड, एसिट एल्डिहाइड। तीसरा ग्रुप हमारे साथ है कीटोन। नाउ कीटोन भी कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड ओ और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये बात जरूरी है यहां पे मैं क्लेरिफाई कर दूं कि इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन की अटैचमेंट होगी। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे कार्बन की अटैचमेंट हो और दूसरे साइड पे हाइड्रोजन, तो फिर ये एल्डिहाइड होगा। सो ये बात क्लियर करना जरूरी है। इसका मैं लिखूं R C डबल बॉन्ड O और यहां पे R, तो कार्बोनाइल ग्रुप है। मैं जनरल एग्जांपल लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे CH3। नाउ दिस इज एसीटोन, इसको हम कहते हैं एसीटोन, एसीटोन। दिस इज द थर्ड, चौथा हमारे साथ है, द फोर्थ वन इज, फोर्थ वन हमारे साथ है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे साइड पे कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, तो हमारे साथ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल ओ एच। जनरली मैं रिप्रेजेंट करता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे ओ एच। अगर मैं एग्जांपल ले लू यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, सो दिस इज एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड, सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और पांचवा वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो पांचवा है हमारे साथ ईथर। जब ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन की अटैचमेंट हो, ऑक्सीजन दोनों साइड पे जो बांड बनाता है ओ और बांड दोनों साइड पे और कार्बन की अटैचमेंट हो, अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट हो, तो हमारे साथ होगा ईथर। इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ओ और आर। अगर मैं एग्जांपल ले लू CH3O और CH3, सो दिस इज डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। तो ये पांच कैटेगरी है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। द सेकंड कैटेगरी दूसरा हमारे साथ है, द सेकंड कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन है फंक्शनल ग्रुप की, वो हमारे साथ है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये कौन सी कैटेगरी है? तो ये हमारे साथ है अमीन ग्रुप, अमीन, ये हमारे साथ है अमीन, जिसको हम NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फॉर्म हम लिखते हैं RNH2। अगर यहां पे मैं मिथाइल अटैच कर लूं तो फिर वो बन जाता है मिथाइल अमीन, या फिर मैं यहां इस तरह CH3 और यहां पे NH2, सो दिस इज मिथाइल अमीन। अगर इथाइल अटैच कर लू तो फिर इथाइल अमीन बन जाता है, सो दिस इज द सेकंड ग्रुप। एंड द थर्ड वन जो है हमारे साथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजन, एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे साथ है हेलाइड्स, ये कौन से हैं? दीज आर हेलाइड्स, इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से। नाउ अगर मैं ले लू CH3Cl में ले लू, सो दिस इज मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इसी तरह मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। सो वी क्लासिफाई द फंक्शनल ग्रुप इनटू थ्री ग्रुप्स, सो दिस इज अबाउट फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स क्लासिफिकेशन।